केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके आनन फानन नागपुर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर के जल्द ही फैसला होगा। बीजेपी के नेता और बीजेपी ने नेता देवेंद्र फडणवीस को अपना चुना है, ऐसे में उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना से बातचीत जारी है, जल्द ही समाधान निकल जाएगा। जब उनसे महाराष्ट्र सरकार के नेतृत्व के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में ही हूं, मुझे महाराष्ट्र आने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि नागपुर में गडकरी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी करेंगे। दोनों के अलायंस को मैंडेट मिला है और जल्दी ही निर्णय होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे नेता के रूप में देवेंद्र जी का चयन हुआ है और उनके ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जिनकी ज़्यादा विधानसभा सीटें जिन्होंने जीती है अलायंस में, उन्हीं का मुख्यमंत्री होता है। मोहन भागवत जी का और संघ का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, जोड़ना उचित भी नहीं है। जहाँ तक इसका निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है और शिवसेना का सहयोग मिलेगा, उनसे बातचीत हो रही है और निश्चित रूप से मांगे निकले। एक तबका आपका नाम भी ले रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे, एक तबका ऐसा भी है। मैं अब दिल्ली में हूँ, मुझे महाराष्ट्र में आने का सवाल ही नहीं उठता।